रिक्वेस्टेड मी टू एक्चुअली मूव आउट ऑफ दैट प्लेस एंड टोल्ड मी वो मेरे को वहां रुकवा नहीं सकते। नमस्ते, मैं हूं यतिक गौर और आप देख रहे हैं दी अनफोल्डिंग प्ले। मैं वापस आया हूं आपके 5 मिनट ले लें, पर जिससे पहले मैं स्टार्ट करूं, हम दोनों को पता है कि आपको वो लाल सब्सक्राइब बटन दबाना है, तो प्लीज प्लीज वो बटन दबा दो यार, प्लीज दबा दो। अराउंड 7 o'clock जो है पूरा अंधेरा हो गया था, एंड द मोमेंट व्हेन द सनलाइट वाज गोइंग आई कुड एक्चुअली रियलाइज कि हाँ यार, आई कैन नॉट वॉक मोर, आई कैन नॉट रीच श्रीनगर। इट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, वॉज द प्रैक्टिकल मोमेंट विच वॉज देयर। बट समहाउ बहुत ज्यादा थका हुआ और विदाउट कुछ एक्चुअली में ढंग का कुछ खाए हुए, आई समहाउ रीच टू दिस प्लेस कॉल्ड भागवान। भागवान एक गांव का नाम है जहां पे मैं उस रात को रुकने वाला था। बट एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं एक ढाबे पे था एंड आई कुड नॉट वॉक मोर, सो आई स्टेड देयर। मैं वहां पे खाना खाने वाला था, चाय वाय पीने वाला था, रात का डिनर करने वाला था, और मैंने वहां पे एक लोकल से पूछा इफ आई कैन सेट अप माय कैंप देयर फॉर नाइट एंड स्टे एंड मूव अलोंग टुमारो मॉर्निंग। व्हाइल ही वाज सो गुड अबाउट इट एंड ही सेड विदाउट इवन गिविंग अ थॉट, ही सेड यस आप रुक सकते हो। बट थोड़ी देर बाद जो है शॉप के जो ढाबे का जो ओनर था, ही एक्चुअली केम देयर एंड ही गॉट टू नो दैट देयर इज दिस गाय वॉकिंग और वो एक्चुअली में रात को रुकना चाहता है। एंड वेरी हम्बली ही एक्सप्लेन मी, एंड ऐसा नहीं है, आई कुड फील व्हेन ही वाज टेलिंग मी ही एक्चुअली मेंट इट टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस एंड टोल्ड मी वो मेरे को वहां रुकवा नहीं सकते हैं। पहले मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, बट जब मैंने पूरी कन्वर्सेशन सुनी तो एक्चुअली इट मेड सेंस। ही टोल्ड मी दैट रात को काफी टाइम यहाँ पे काफी लोग दारू पी के आते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली वेरी ड्रंक हियर एंड इट डज नॉट मेक सेंस फॉर मी टू स्टे देयर। बिकॉज उसने बोला अगर रात को आपके साथ कुछ हो जाता है, कोई छीना झपटी करता है या फिर आपको कोई मारता है, दारू पी के कुछ लफड़ा हो जाता है, तो ओनर कैन नॉट टेक दी गारंटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच अ बिग थिंग, स्पेशली फॉर अ ट्रैवलर हु इज ऑन फूड डूइंग अ स्पिरिचुअल जर्नी। सो आई वॉज टोल्ड दैट आई हैव टू एक्चुअली मूव आउट ऑफ दैट प्लेस एंड फाइंड अ न्यू प्लेस। नाउ टू डू इन ऑर्डर टू डू बिकॉज नाउ बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था एंड ही वॉज द लोकल, मेरे को उनकी बात माननी थी, बट मेरे अंदर इतनी भी पावर नहीं थी कि मैं अगले 2 या 3 किलोमीटर भी चल पाता। तो वहां के एक और लोकल है जो वहां पर मेरी सारी बात सुन रहे थे, ही केम अप एंड ही टोल्ड मी दैट देर इज अ प्लेस कॉल्ड लक्ष्मोली आश्रम इन अराउंड 3 किलोमीटर, दैट इज अराउंड 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। और मैं लक्ष्मोली पहुंचने की हालत में एक्चुअली में था नहीं, तो ही रिक्वेस्टेड मी अगर वो मुझे लिफ्ट दे सकते हैं। पहले मैं काफी ज्यादा डिनायल में था, मुझे लगा नहीं मुझे खुद वॉक करना चाहिए, बट मेरे अंदर एक्चुअली में इतनी पावर ही नहीं थी, इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं वो 3 किलोमीटर भी रात को क्रॉस कर पाता। और वो 3 किलोमीटर का पैच वाज एब्सोल्युटली डार्क, देयर वाज नो वन, आफ्टर 7:30 सब कुछ डार्क हो जाता है, लोग शॉप्स बंद कर देते हैं। एंड यस, सो दिस गाय हु वाज देयर ही एक्चुअली ड्रॉप्ड मी टू लक्ष्मोली आश्रम। और जब मैं लक्ष्मोली आश्रम पहुंचा तो एक्चुअली दैट वॉज द डे माई होल लाइफ चेंज्ड व्हेन आई सॉ दिस पर्टिकुलर स्वामी इन फ्रंट ऑफ मी। और उन्होंने ऐसा क्या बोला या उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे एक्चुअली पे मेरी पूरी लाइफ पे एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा दैट आई कैन नेवर फॉरगेट इट एंड दैट इज अ टीचिंग आई कैरी ऑन विद मी। बट वो क्या टीचिंग है, उन्होंने क्या किया, ये मैं आपको बताऊंगा कल आपके 5 मिनट लेके। सो प्लीज डोंट फॉरगेट, दिस इज योर बॉय द अनफोल्डिंग प्ले। नमस्ते, मिलते रहेंगे, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब का बटन दबा देना यार प्लीज, और शेयर कर दो लोगों के साथ।